वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सभी का पूजा सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं काफ़ी दिन बाद, और पहनी है मैंने साड़ी क्योंकि आज है सावन सोमवार, तो मेरा फास्ट है। और मैंने करी घर में पूजा, मंदिर भी गई थी, मंदिर में करी पूजा। और नीचे मैं इसलिए देख रही हूँ बार बार क्योंकि नीचे कीनू है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कीनू हाय, कीनी गुड्डा गुड्डा हाय। गुड्डा देख रहा है नानू को, नानू बाहर पूरा धो रहे हैं, है ना गुड्डा? तुमको भी धोना होगा ना नानू के साथ साथ। दिखाती हूँ आपको, बहुत पिटी पिटी छाप। नानू को बुला रहे, नहीं बाहर नहीं जाना भैया, यहाँ पूरा धोया जा रहा है, वहाँ कपड़े डले हैं क्योंकि मौसम बार बार बिगड़ रहा है। और आज अरे रुको जाओ ना, अंदर चलते हैं। आ जाओ गुड्डा 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 गुड्डा। अरे रे 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 रे, गुड्डा तो बुरा मान जाता है बहुत जल्दी। गुड्डा को तो अपनी बात मनवानी है ना गुड्डा? दिन का टाइम हो रहा है, 1 बज रहे हैं, मम्मी बना रही है खाना। और आज मैं दिखाऊंगी आपको अपना गार्डन पूरा, उसका टूर करवाऊंगी। और मौसम बारिश का ही है कंटिन्यू, 15-20 दिन से बारिश हो रही है। मेरा कीनू भाग जाता है, उसके पीछे जाना पड़ता, नहीं तो ये कुछ भी उठा के खा लेता है, कुछ भी कर लेता है लड़का, हाथ भी फंसा देता है ये। दिखाती हूँ ये कितनी मस्त आने को परेशान करा। गुड्डा क्या चाहिए? गुड्डा मैं दूंगी, मुझे मुझे बताओ क्या चाहिए, बताओ गुड्डा को क्या चाहिए। क्या चिमनी ऑन हो गई बाबू, देखो आ जाओ मेरा गोदा, आ जाओ तो ना मम्मा गोदा, आ जाओ आ जा। तो मेला तो छोटा सा कुक्का है, छोटी सी कुक्की है बब्बा। किनू अपनी भाषा में बात कर, किनू काय काय काय, ओ मम्मा का आए बेटा, अरे मेला छोना नैना बाबू, नानी को खाना बनाने देते हैं ना, हम यहाँ बैठ जाते हैं, है ना बाबू? अब बाबू को बाहर जाना है क्योंकि नानू बाहर सफाई कर रहे हैं, तो उसको भी जाना है वहाँ पानी में खेलने के लिए। नानू कहाँ है बेटा? गुड्डा नानू कहाँ है? ओ नानू वहाँ है ना, अच्छा नानू बाहर हैं, वो वहाँ पर, और वहाँ पे टंगे हैं कपड़े स्टैंड में, है ना गुड्डा? ओ नानू पास जाना है, नानू पूरी सफाई कर देंगे, पानी सारा हटा देंगे, तो फिर आप चले जाना, ठीक है ओके। और किनू की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसे भी सर्दी जुकाम, मुझे भी सर्दी जुकाम, और अभी मम्मी को भी हो गया है, सबको हो रहा है एक एक करके। और अभी हूँ मैं अपने मम्मी पापा के घर में, 1-2 दिन में जाऊँगी अपने घर, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आपको आज दिखाऊँगी अपना पूरा गार्डन, पापा ने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ वहाँ पर क्या क्या है। गुड्डा, और गुड्डा सो के उठ गया है, अब गुड्डा नहीं सोएगा, अब हमारा किनू सोएगा डायरेक्ट रात को, इसी दिन रात में सोता है ये, नहाने के बाद सोएगा, जितना सोएगा 1/2 घंटा 1 घंटा उसके बाद फिर ये सोता है नाइट में डायरेक्ट। ये कह रहा है कि मम्मी कुछ मत बोलो, ये मेरे मुंह में, माँ मेरा कुक्का, मेरी छोटी सी कुक्की, मम्मा नो 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 करके, अच्छा सुनो, अच्छा आप नो नो करके बता दो, नो नो करके बता दो कि नो 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 कर दे, कैसे करता है मेरा बाबू नो नो। अब बोरा मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दो, मस्ती टाइम गुड्डा, मस्ती टाइम। चलिए तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं गार्डन का एक छोटा सा टूर वीडियो। तो सबसे पहले ये है आगे पोर्च हमारा, जिसमें हैंग किए हमने कुछ छोटे छोटे से प्लांट्स, और इसमें छोटे छोटे से फूल आते हैं रेड पिंक कलर में, जो दिन तक मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पर ये 5 हैं जो हैंग किए हैं। उसके बाद यहाँ पे है मेन गार्डन, तो ये सबसे पहला शो प्लांट जो कि बहुत छोटा लेके आए थे हम, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। उसके बाद साइड में है उसके, ये है तुलसी का पौधा जो लगाया था गमले में, लेकिन गमले से नीचे ज़मीन में जड़ पकड़ लिया उसने, तो इसे हम यहाँ से हटा नहीं सकते, और काफ़ी अच्छा हो रखा है आजकल। उसके बाद ये एक और है शो प्लांट, इसमें काफ़ी अच्छा फूल आता है रेड कलर का, बहुत बड़ा, वो कभी कभार ही खिलता है। उसके बाद ये है कुछ ग्रीन कलर में, वाइट आउटलाइन के संग काफ़ी सुंदर शो प्लांट। उसके बाद ये एक और है पर्पल, इसमें छोटे छोटे से फूल आए हैं वाइट कलर में, ये भी काफ़ी सुंदर लगता है।
उसके बाद ये भी है, इसको विद्या बोलते हैं, विद्या का प्लांट, तो काफ़ी अच्छा। और ये दोनों हमने गेट के साइड में रखे हैं गमले, जिसमें रखा है ये वाला सो प्लांट, और ये काफ़ी सुंदर लगता है पास से। इसकी आउटलाइन कुछ येलो कलर में है। और ये टमाटर है शायद, ये पापा ने लगाया है, तो ये है टमाटर। उसके साइड में ये है कड़ी पत्ता, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत चाहिए पड़ता है। और ये पीछे है जासून का, इसमें भी बड़े बड़े फूल आते हैं, इतने छोटे से पेड़ में बड़े बड़े फूल आ जाते हैं। उसके बाद ये भी कुछ शो प्लांट है, ये छोटे छोटे डब्बों में लगाया पापा ने। और ये कुछ गमले हमारे ब्लैक कलर के जो छोटे छोटे, ये हमारे 32 गमले आए थे, उनमें भी छोटे छोटे प्लांट को लगाया गया है, और काफ़ी सुंदर लगता है। दी लाइन से पापा ने इनको जमा के रखा है काफ़ी अच्छे से। तो चलिए अब चलते हैं लेफ्ट साइड में, और उसके पहले इसको देख लीजिए। ये मेरी पूंछ है, जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे 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 आता, वो सीढ़ियाँ पकड़ पकड़ के उतर गया और अपना सिपर लेके पूरे घर में घूमता रहता है, और मस्ती चल रही है उसकी यहाँ पे नॉन स्टॉप। और अब जा रहा है अंदर घर के, तो चलिए इसको अंदर भेज देते हैं और इसके आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो कुछ इस टाइप से लेफ्ट साइड में भी है। ये है हल्दी, हल्दी का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया, 2-3 पौधे हैं, ज़्यादा नहीं, मम्मी ने हटा दिए थे यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा हमने सगोड़ा भी करके रखा है, ये साइड में। ये भी शो प्लांट है, ये है शायद रात रानी, नहीं रजनीगंधा है ये। और ये देखिए, ये है अरबी के पत्ते, जिससे पतोड़ बनाई जाती है। बीच में मम्मी ने भी 1-2 दिन बना चुकी है, इसके पत्तों से बहुत अच्छी गढ़वाली डिश बनती है पतोड़, वो भी मम्मी 1-2 दिन बना चुकी हैं। उसके बाद ये एक और है रजनीगंधा, और इसमें फूल भी खिला है। और ये देखिए, ये वाइट कलर का इसमें फूल है, और काफ़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी, काफ़ी अच्छी। और यहाँ पे ये लगा है बैंगन, और ये छोटे से टब में मैंने लगा दिया था ढेर सारा पुदीना, तो थोड़ा सा लग गया। और ये देखिए, फिर आ गए मेरे पीछे पीछे। और ये हमारा ना एक और गेट है, जो फ्रंट में साइड में हमने दिया है, अगर कभी हमें वहाँ से भी अंदर जाने जा सकते हैं हम। और ये देखिए, ये छोटा सा गमले, छोटे छोटे गमलों में भी लगा के रखा है पापा ने। और ये देखिए, पर्पल हाईलाइट में कितना प्यारा लग रहा है, और ये येलो हाईलाइट में। और यहाँ पे ये मिर्ची का पेड़ है, और ये जो बेल गई है ये है करेले की बेल, इसमें करेले भी लगने लगे हैं। और 1-2 बार मम्मी इसकी सब्जी बना भी चुकी है। ये लड़का यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके बाद अब ये हम राइट साइड में, जहाँ मैं पहले आई थी, यहाँ से छत के लिए जाती हैं सीढ़ियाँ, तो इसमें भी लाइन से पापा ने वही प्लांट्स लगा रखे हैं, शो वाले छोटे छोटे दोनों साइड से लगाए हैं। और ये सामने से काफ़ी सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसमें बराबर इसका ध्यान रखते हैं पापा, इसकी कटिंग, इसमें पानी डालना, इसकी सफाई, सब कुछ एक एक चीज़ पापा देखते हैं। और ये तो सब्जियाँ भी लगी हैं, एक भिंडी भी लगी है गार्डन में, मैंने आपको शायद वो नहीं दिखाई, और बैंगन भी लगे हैं। तो ये है शो प्लांट। और मैं यहाँ ऊपर चढ़ रही थी, और फिर मैंने बाद में देखा कि मेरे पीछे पीछे मेरा बेटा फिर से आ गया है, ये देखिए, और उसके पीछे नानू आ रहे हैं। और अब उसे लग रहा है कि मम्मी क्या कर रही है पता नहीं, तो वो पीछे 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 आ गया है छत तक मेरे साथ। तो अब मुझे इसको साथ में ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके गिरने का काफ़ी डर रहता है मुझे, तो इसको भी साथ में लेके जाऊंगी। और ये 2-4 प्लांट और बचे हैं, और इसके बाद कुछ शायद पापा ने अब छत में भी रख दिए हैं, तो मैं देखती हूँ, अगर होंगे तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। और ये है शायद सदाबहार, और ये ना इजीली लग जाता है, अगर एक जगह से दूसरी जगह भी लगाना हो तो ये लग जाता है। तो ये हमारी छत आ गई है, और यहाँ पर जो होल है ना, उसमें भी ये पैर डालता है। और यहाँ पर हमारा घर जब बन रहा था उस टाइम का लोहा बचा था, तो वो भी रखा है यहाँ पर, और रख दिए हैं पापा ने यहाँ पर भी कुछ प्लांट। तो सबसे पहले तो ये है, ये गमला है, और इस गमले में है अजवाइन, अजवाइन का पेड़ है ये, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है अजवाइन की इन पत्तियों से, तो इसका क्या यूज़ है आप मुझे बताना। और ये इसमें है फिर से एक शो प्लांट, और उसके साथ है गेंदा, और ये एक और कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा लगता है, और मोहल्ले वाले भी सारे हमसे लेने आते हैं। और अगेन ये है वही जो हमने गेट के साइड्स में लगाया है, वही वाला प्लांट। तो ये था छोटा सा गार्डन का टूर। और यहाँ पे 2-3 एलोवेरा के भी हैं गमले, एक तो ये है, और ये देखिए साइड में प्लॉट हैं, 2 प्लॉट बचे हैं, और भी 1-2 हैं यहाँ पे एलोवेरा। और ये देखिए कीनू, कीनू की मस्ती चालू, ये सारे ड्रॉअर खोलता है, सारा सामान निकालता है। ये लड़का बहुत परेशान करता है, ये एक जगह पे बैठता ही नहीं है, जब से सोता है
जब से ये उठता है और फिर जब तक ये सोता है तब तक इसकी मस्ती कंटिन्यू चलती रहती है। एक मिनट के लिए भी लड़का नहीं बैठता है और ना ये थकता है। इतना ज़्यादा एक्टिव बेबी की क्या बताऊँ आपको। हाँ क्या 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 नो वो फेंक दिया। अच्छा फेंक दिया आपने। अब हम इस स्टूल पे ये जो क्लोथ बिछा रहता है इसको तो ये टिकने ही नहीं देता। जैसे इस रूम में आएगा इसको सबसे पहले फेंकेगा। अभी उसको फेंकने की तैयारी में। फेंक दो शाबाश वेरी गुड। ये देखिए गिरा दिया। अब स्टूल भी गिरा देगा और फिर यहाँ से चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग था आज का, यहीं तक। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए पूजा सीरीज। मैं सबसे पहले तो साड़ी चेंज करूँगी साड़ी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एक साइड बारिश गिर रही है बाहर और अंदर हो रही बहुत उमस गर्म हो रहा है। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए पूजा सीरीज। सो फ्रेंड्स वीडियो का एंड हो गया था, बट ये गिफ्ट आया है किनू की मामी मामा ने भेजा है किनू के लिए। तो मैंने सोचा इसी में इसको भी ऐड ऑन कर देती हूँ मैं वीडियो को। तो किनू के मामी मामा ने दो गिफ्ट भेजे हैं किनू के लिए और दो गिफ्ट भेजे हैं मिस्टू के लिए, मेरी दीदी की बेटी के लिए। सो अभी आए हैं दो गिफ्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी अनबॉक्सिंग कर लूँ और साथ साथ वीडियो भी बना लूँ। तो फर्स्ट गिफ्ट ये है, ये भेजा है किनू के लिए। तो आप जैसे कि देख रहे हैं पिक्चर में, ये है बास्केटबॉल किट। तो इसमें क्या है, छोटे छोटे पाइप्स हैं, उसको अटैच करेंगे हम तो बास्केटबॉल का वो बन जाएगा पोल, जिसमें बॉल को हम थ्रो करते हैं। सो ये छोटे छोटे पोल्स हैं, ये है बॉल जिसमें हम हवा भर लेंगे। तो काफ़ी अच्छा क्रिएटिव सा गिफ्ट, जो कि घर के अंदर आराम से किनू खेल सकता है। अभी तो छोटा है खैर, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा समझेगा तो खेलेगा। सो ये जो आप गोल देख रहे हैं इसके अंदर हम भरेंगे पानी, तो जिससे क्या होगा इसमें एक वेट आएगा और ये पाइप्स हम इसमें सारे इंस्टॉल करेंगे। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि पाइप अलग अलग दिए हैं, तो जिस हिसाब से किनू की हाइट होगी उस हिसाब से हम पोल लगाएंगे। अभी जैसे किनू छोटा है तो दो पाइप में उसका काम चल जाएगा, और जब किनू जैसे जैसे बड़ा होगा सो हम पाइप की बढ़ाते जाएंगे। चार या पांच पाइप हैं और आराम से किनू उसको 6 साल 7 साल तक वो खेल सकता है। तो बहुत अच्छा गिफ्ट है ये। सो देखते हैं इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे। सो इसको इंस्टॉल करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुछ इस टाइप से इसको सेट करना है। और इसके ही साथ मैं काम करती हूँ कि सेकेंड गिफ्ट भी अनबॉक्स कर देती हूँ। तो ये है दूसरा गिफ्ट, और ये गिफ्ट आया है मिस्टू के लिए। इसके अंदर एक खूबसूरत सी क्यूट सी सॉफ्ट सी बहुत प्यारी डॉल है। तो आप देखिए कितनी प्यारी डॉल है, पिंक कलर की, लाइट पिंक कलर की, और बहुत प्यारी डॉल है। मिस्टू के जैसे उसके लिए आई है डॉल, बहुत ही क्यूट है। सो इस व्लॉग को करूँगी मैं यहीं एंड, और किनू इतना एक्साइटेड है कि आपको क्या बताऊँ। सो इस व्लॉग को करूँगी मैं यहीं एंड, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए पूजा सीरीज़। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।